Welcome to GeekX. Hi friends, please subscribe GeekX and hit the bell icon to receive notifications. Aaj hum GeekX mein baat karenge artificial intelligence AI ke bare mein. Dosto, Apple ne jab se found kiya hai, jab se Apple ka qayam hua hai, us din se leke aaj tak jo kuch bhi Apple ne kiya hai वो एक ट्रेंड बन जाता है. चाहे 2007 में आईफोन का लॉन्च हो या उससे पहले एप्पल कंप्यूटर्स का लॉन्च हो, सब कुछ एक ट्रेंड बन गया. क्योंकि 2007 में एप्पल ने जब एक अपना आईफोन लॉन्च किया तो पूरी तरह से मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स की दुनिया में कोहरा मच गया. बहुत सी कंपनी बंद हो गई जैसे ब्लैकबेरी वगैरह, और एक नया ट्रेंड शुरू हो गया स्मार्टफोन्स की दुनिया में. उससे पहले जो भी मोबाइल फोन्स आते थे उनमें कोई ऐप स्टोर नहीं होता था, उनमें कुछ भी नहीं होता था. उनमें तो सिंपली हम ऐप्स इंस्टॉल करते थे मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र करने के बाद. उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे बातें थी जो एप्पल ने दोहराई और फिर दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया, और बाकी कंपनीज़ ने पहले कुछ कंपनीज़ ने कॉपी किया और कुछ कंपनी ने उसी तरह में अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया. हाल ही में एप्पल ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, वो था आईफोन एक्स, और उसमें एप्पल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की. तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? जैसा कि किसी भी कंप्यूटर चलाने वाले को पता होगा कि कंप्यूटर को चलाने के लिए ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत पड़ती है. क्योंकि अगर कंप्यूटर को ह्यूमन कमांड नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेंगे. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असल मकसद ये है कि ह्यूमन इंटरवेंशन ख़त्म हो और कंप्यूटर खुद ब खुद काम करने लगे. उससे होगा क्या? उससे एक्चुअली ये होगा कि प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ह्यूमन्स को अपने एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे. इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादातर इस्तेमाल अब तक रोबोटिक्स में होता था, और साइफ़ी फिल्म में हम देख चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स दुनिया को तबाह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. लेकिन आखिर एक स्मार्टफोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम क्या है? दोस्तों, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. छोटी सी एग्जाम्पल है गूगल ट्रांसलेट. बेसिकली गूगल ट्रांसलेट है क्या? वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तर्ज पे ही काम करता है. गूगल ट्रांसलेट जो है उसमें हम कोई किसी लैंग्वेज को डालते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, और वो ऑटोमेटिकली दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है. तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमारा काम आसान होता है. इसके अलावा स्मार्टफोन्स की बात की जाए तो एप्पल पहले ही कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें डाल चुका है स्मार्टफोन्स में. एप्पल ने सीरी को लॉन्च किया था, वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एग्जांपल थी. उस वक्त एआई का कंसेप्ट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हम सीरी से बातें कर सकते थे और सीरी हमें असिस्ट करता था. फिर गूगल ने लॉन्च किया अपना ओके गूगल, या आप गूगल फर्दर इसको एनहांस कर रहा है, या अमेज़ॉन भी इस मैदान में उतर चुका है. माइक्रोसॉफ्ट ने कोटाना लॉन्च किया. कोटाना बहुत हद उससे पहले भी एक सॉफ्टवेयर था माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि बंद करना पड़ा माइक्रोसॉफ्ट को, क्योंकि वो खुद ही इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया था कि वो रेशियल अब्यूज़ करने लगा था, जिससे हम देख सकते हैं कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी उभर गए थे. मगर एक स्मार्टफोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ज़्यादा डेवलप हो रहा है, क्योंकि एप्पल ने आईफोन में फेशियल रिकॉग्निशन का ऑप्शन रखा है, जो कि हैरानकुन तरीके पे रात तरीके से रात को भी काम करता है, और उसके अलावा दिन को भी परफेक्ट काम करता है. वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल है. उसके अलावा जो कैमराज होते हैं स्मार्टफोन के, वो ऑटोमेटिकली इमेजेस को एनहांस करते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इम्प्रूवमेंट होती हैं. दोस्तों, एक्चुअली मसला खड़ा यहाँ पर हो जाता है कि आज
एप्पल के आईफोन एक्स के आ जाने के बाद दुनिया की बहुत सारी कंपनियां बात करने लगी हैं कि हमने अपने स्मार्टफोन्स में एक इंक्लूड किया है। जैसे कि ऑनर ने ही कल ही एक फ़ोन लॉन्च किया था, ऑनर V10। उसमें उनका कहना है कि उनका किरिन 7970 प्रोसेसर लगा हुआ है। उस प्रोसेसर में AI चिप लगी हुई है जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्रूवमेंट मिली है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अगर हम फोटो वगैरह लेते हैं उस फ़ोन से तो वो ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाते हैं, और वो फ़ोन इस काबिल है कि रिकॉग्नाइज कर पाए जिस चीज़ की हम फोटो ले रहे हैं वो लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है, या मूवमेंट में है वो चीज़ या रुकी हुई है। मगर क्या ये ऑनर का मार्केटिंग गिमिक्स है या सच में उस पर कोई ऐसी चीज़ है जिससे ये सब होता है? मसला यहाँ पर ये नहीं है कि उसमें ये चीज़ है या नहीं है, बल्कि इशू ये है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें है तो वो कैसे काम करती है, और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम उसमें करती है तो हमें उससे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एक अहम बात आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, और वो बात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मोबाइल फोन्स में आ रही है ये अपने बहुत ही अर्ली स्टेज में है। अभी हम कह सकते हैं कि अभी जैसे हमारे पास कुछ साल पहले 2003 2002 में एक ब्लैक एंड वाइट मोबाइल हुआ करता था, और उस ब्लैक एंड वाइट मोबाइल में हम खाली फ़ोन कॉल कर सकते थे और SMS रिसीव कर सकते थे। इसके अलावा उस मोबाइल में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई छोटी सी गेम स्नेक वगैरह खेल सकते थे। लेकिन उसके बाद स्मार्टफोन्स आ गए मार्केट में, जिससे MMS की सर्विस अवेलेबल हो गई, ईमेल्स की सर्विस अवेलेबल हो गई, और धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट्स होती गई, और आज हमारे पास जो स्मार्टफोन्स हैं वो तो आपको पता ही है कितने एडवांस हैं। इसी तरह ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं ये अभी अपने अर्ली स्टेज में हैं। आप मान लीजिए आपके हाथ में एज पर द अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंपैरिजन करें तो ये वैसे ही है जैसे नोकिया का 3310 का फ़ोन था। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एडवांस नहीं हुआ कि ये सब कर सके जिनका कंपनीज दावा कर रही हैं, लेकिन एप्पल के पास एक्सपीरियंस है क्योंकि वो पहले ही सीरी के साथ इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं AI का। इसके अलावा उनके जो कैमराज थे उनमें ऑटो फोकस और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे पिछले वाले आईफोन्स में, जैसे कि iPhone 5 फिर iPhone 7 6, उनमें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑप्शंस अवेलेबल थे। अब की बार एप्पल ने iPhone X में इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया है, लेकिन और कंपनीज जो हैं उनमें अभी इतने डेवलपमेंट नहीं हुए कि AI को बहुत ज़्यादा फायदा दे सके हमें। क्योंकि अब सुनने में आया है कि जैसे कि रूमर्स हैं कि सैमसंग अपना नया स्मार्टफोन S9 और S9 Plus मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 में लॉन्च करने जा रहा है। तो दोस्तों उस फोन में फेशियल रिकॉग्निशन के साथ साथ और भी कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे जैसे कि आयरिस वगैरह, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफ़ी एडवांस किया गया होगा। तो ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी अपने शुरुआती दौर में है। तो मैं इस बात की आपको यकीन दहानी करा सकता हूँ, और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी डेवलप होने में काफ़ी वक्त लगेगा, और शायद आज से 3 या 4 साल के बाद हमें आर्टिफिशियल अपने मैच्योर स्टेज में नज़र आए, लेकिन अभी तो ये अपने इमेच्योर स्टेज पे ही हैं, और इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा हमें मिलने वाला नहीं है अभी, क्योंकि अभी इस पे रिसर्च चल रही है, और जब ये रिसर्च अपने एडवांस सेक्शन में चली जाए तो हमें पता चल जाएगा कि AI कितना डेवलप होता है, और हमारी कंपनियां जो स्मार्टफोन्स आगे लॉन्च करने जा रही हैं उनमें इससे कितनी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। थैंक यू। ये थी बात AI के बारे में। तो आगे जितनी डेवलपमेंट होती है मैं आपको वीडियोस के ज़रिए और डिस्कशन के ज़रिए आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता जाऊँगा। थैंक यू।